हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत अपने टेरेस गार्डन से। ये आज मैं सुबह मॉर्निंग में जब आया अपने टेरेस गार्डन में, सो मैंने आज ये देखा, देख के बड़ा दुख लगा। देखिए, ये जो फ्लावर है बैंगन का, ये मुझे ऐसे इस गमले में गिरा हुआ मिला। सो दोस्तों, ये कोई घबराने की या ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। इसके पीछे कई रीज़न होते हैं, जैसे कि कई बार हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं या कम वाटर देते हैं। सो दोनों ही रीज़न है। और तीसरा रीज़न दोस्तों, पोलिनेशन, जो मधुमक्खियाँ या और तरीके के फ्लाई जो होते हैं, जो इस पे बैठते हैं, पोलिनेशन करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो मिट्टी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिट्टी में बिल्कुल भी ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा पानी इस तरीके का गमलों में दिख रहा है। सो ये रीज़न तो नहीं है। अब रीज़न रह जाता है पॉलिनेशन का। सो आई एम प्रिटी श्योर कि ये पॉलिनेशन ना होने की वजह से फ्लावर हैं जो ड्रॉप हुए हैं। सो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हम हैंड पॉलिनेशन कैसे कर सकते हैं, जब क्योंकि हम अर्बन सिटी में रहते हैं, हमारे यहाँ फ्लावर पे मधुमक्खियाँ, बर्ड्स वगैरह जो है वो नहीं आ पाती। सो आज हम इसको अपने हाथ से करेंगे, क्योंकि जो बैंगन का फ्लावर होता है दोस्तों, वो मेल फीमेल एक ही होता है। जैसे कि आप ये येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको आप ब्रश से या इस तरीके से कॉटन से आप इसको रब करके, और ये जो इसके येलो पार्ट के बीच में जो ग्रीन पार्ट है, उस पे आपको टच करना है। सो इससे आपका पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके बैंगन के पौधे में खूब सारे बैंगन लगेंगे, जैसा कि मैं ये कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी ट्राई करें अगर आपके फूल गिर रहे हैं तो।